हम लोग सॉलिड स्टेट देख रहे हैं सॉलिड स्टेट का दूसरा पार्ट पहला पार्ट देख चुके हैं सॉलिड एंड देयर टाइप्स दूसरा हम लोग देख रहे हैं क्रिस्टल लैटिस एंड यूनिट सेल क्रिस्टल लैटिस जब कॉन्शियस पार्टिकल को थ्री डायमेंशनल क्लोज पैक करके बनाते हैं तो जो प्राप्त होता है उसे क्रिस्टल लैटिस कहते हैं और उसका सबसे छोटा थ्री डायमेंशन यूनिट को बार बार रिपीट करने से इंटायर लैटिस प्राप्त होता है उसे यूनिट सेल कहते हैं एनसीआरटी बुक के थ्रू इसको थोड़ा देखते हैं एक बार बुक पढ़ते रहिए साथ में नोट बनाते रहिए सॉलिड इज रेगुलर एंड रिपीटिंग पैटर्न ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हम लोग जानते हैं कि क्रिस्टलाइन सॉलिड का सबसे मेन कैरेक्टर है कि उसके कॉन्स्टेंस पार्टिकल्स का क्लोज पैकिंग निविड़ संकुलन लॉन्ग ऑर्डर का है थ्रू आउट द सॉलिड दीर्घकालीन निविड़ संकुलन है मतलब कि उसका लॉन्ग ऑर्डर क्लोज पैकिंग है तो जिसमें लॉन्ग ऑर्डर क्लोज पैकिंग होगा क्रिस्टलाइन हो इसमें नहीं होगा हमारे होगा तो बुक एकदम कितना सटीक लिखा है द मेन कैरेटरिस्टिक्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिट रेगुलर एंड रिपीटिंग पैटर्न ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इफ द थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ कंस्टुएंट पार्टिकल्स इन ए क्रिस्टल इज रिप्रेजेंटेड डायग्रामेटिकली मतलब अगर थ्री डायमेंशनल कॉन्स्य पार्टिकल्स को हम लोग रिप्रेजेंट कर दें डायग्रामेटिकली डायग्राम बना करके इन विच इच पार्टिकल्स डिपिक्टेड एज अ पॉइंट जिसमें सभी पार्टिकल्स को पॉइंट बना दें सभी पार्टिकल्स को पॉइंट बना दें सभी पार्टिकल्स को पॉइंट बना के डेपिक्ट करें प्रदर्शित करें निरूपित करें रिप्रेजेंट करें तो ये जो रिप्रेजेंट हो रहा है कॉन्स्टिस्ट पार्टिकल्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड का इन विच ईच पार्टिकल्स इज डेपिक्टेड एज अ पॉइंट पॉइंट से रिप्रेजेंट किए हैं इसमें द अरेंजमेंट इज कॉल्ड क्रिस्टल लैटिस सिंपल वर्ड इफ द थ्री डायमेंशनल अरेन्जमेंट त्रिवीणी व्यवस्था ऑफ कॉन्सियंस पार्टिकल्स अभी अभी कणों का इज रिपीटेड डायग्रामेटिकली उसको डायग्राम बना करके संरचना बना करके रिपीट करें दोहराएं इन ईच पार्टिकल्स इज डिफेक्टेड एज अ पॉइंट सभी पार्टिकल्स को कॉन्सियंस पार्टिकल्स को पॉइंट के द्वारा द अरेंजमेंट जो व्यवस्था प्राप्त होगी इज कॉल्ड क्रिस्टलाइन लैटिस उसे क्रिस्टल लैटिस लैटिस कहेंगे दस डिफाइन है एनसीईआरटी का डेफिनेशन दस A regular three-dimensional arrangement of points. Points of the constituent particles in a space is called crystalline lattice. Crystalline lattice lattice a regular three-dimensional representation of points in a space is called crystalline lattice. A regular three-dimensional representation of points, of points, of points in a space. इज कॉल लैटिस क्रिस्टल लैटिस क्लियर है ए पोर्सन ऑफ क्रिस्टल लाइन लैटिस इज सोन इन फिगर वन पॉइंट फाइव देर आर ओनली फोर्टीन पॉसिबल थ्री डायमेंशनल लैटिसिस ब्रेवेस के अनुसार से ब्रेवेस लैटिस को बोलते हैं ब्रेवे के अनुसार से ये जो यूनिट सेल है इस ये जो डिफरेंट टाइप से कितना भी अलग अलग टाइप से रिप्रेजेंट करें तो उनके अनुसार से फोर्टीन है कि दुनिया का जितना सॉलिड है जितना ठोस है सबको फोर्टीन बेसिक यूनिट से ही बना हुआ माना जाता है किन के अनुसार से ब्रेवेस के अनुसार से जो एक मैथमेटिशियन से जो डिस्क्राइब किए थे लेटेस्ट स्ट्रक्चर डिफरेंट स्ट्रक्चर को लेकर के ठीक है द फॉलोइंग आर द करेटिस्टिक्स ऑफ क्रिस्टलाइन लाइन लेटिस ये जो लेटेस्ट स्ट्रक्चर है उसका कुछ कैरेटरिस्टिक्स हैं क्या है कैरेटिक्स ईच पॉइंट इन लेटिस इज कॉल लेटिस्ट पॉइंट और लैटिस साइट ये जो कॉन्स्टेंस पार्टिकल्स जहाँ प्रेजेंट रहता है उस पॉइंट से जिसको निरूपित करते हैं ये पॉइंट ये जगह ये प्लेस इस लैटिस स्ट्रक्चर में कहलाता है पॉइंट, साइट, जालक बिंदु। इसको जालक संरचना बोलते हैं हिंदी में जालक बिंदु जालक संरचना जालक बिंदु लैटिस स्ट्रक्चर लैटिस पहला कैरेटिस्टिक्स है कि ईच पॉइंट इन लैटिस कॉल्ड लैटिस पॉइंट लैटिस साइट दूसरा लैटिस स्ट्रक्चर का है ईच पॉइंट इन लैटिस रिप्रेजेंट्स वन कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ये जो सारे पॉइंट्स हैं वो एक कंस्टुस पार्टिकल्स को रिप्रेजेंट करता है जैसे मोलिकुलर सॉइड में ये एक मोलिकुल होगा आयनिक सॉइड में ये एक आयन होगा मेटेलिक सॉइड में मेटल का टायन होगा और इलेक्ट्रॉन होगा जबकि नेटवर्क सॉलिड में ये नॉन मेटेलिक एटम होगा जैसे ग्रेफाइट में कार्बन ये पॉइंट कार्बन होगा डायमंड में ये पॉइंट कार्बन होगा तो ईच पॉइंट इन क्रिस्टलाइन लैटिस रिप्रेजेंट्स वन कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स विच में बी एन एटम आ मॉलिकल ग्रुप ऑफ एटम्स और एन आयन ये जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है ये या तो ऐटम हो सकता है या मोलिकुल्स हो सकता है या आयन्स हो सकता है या इवेन इलेक्ट्रॉन्स हो सकता है लेकिन इलेक्ट्रॉन्स मूव करते रहता है जिसके कारण मेटेट गुड कंडक्टेड हो गया था ईच पॉइंट इन क्रस्टल लैटिस रिप्रेजेंट्स वन कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स यह हर पॉइंट एक कॉन्स्टुंस पार्टिकल्स को रिप्रेजेंट करता है जो क्या होगा विच मे बी एटम मॉलिक्यूल आयस और इलेक्ट्रॉन्स थर्ड कैरेटिस्टिक्स बता रहा है लेटेस्ट पॉइंट्स आर ज्वाइंड बाय स्टेट लाइंस सभी पॉइंट्स को सभी पॉइंट्स को जब स्टेट लाइन से जोड़ते हैं लेटेस्ट पॉइंट्स आर ज्वाइंट बाई स्टेट लाइन्स टू ब्रिंग आउट द जियोमेट्री ऑफ द लेटिस पूरे लैटिस ज्योमेट्री प्राप्त होता है जब इसको हम लोग स्ट्रेट लाइन से जोड़ते हैं किसको लैटिस साइट को पॉइंट्स को लैटिस पॉइंट को लैटिस साइट को जब लाइन से जोड़ते हैं तो ये क्या हो गया लैटिस स्ट्रक्चर और इस लैटिस स्ट्रक्चर का जो थ्री डी स्मॉलेस्ट यूनिट है जिसको बार बार रिपीट करने से जिसको बार बार रिपीट करने से होल यूनिट प्राप्त होता है होल लैटिस यूनिट प्राप्त और लैटिस स्ट्रक्चर प्राप्त होता है एंटायर लैटिस प्राप्त होता है उसको बोलते हैं यूनिट सेल कुछ एग्जांपल्स के लिए लैटिस स्ट्रक्चर देखते हैं यह है NaCl का लैटिस स्ट्रक्चर जिसमें Cl- को देखिए प्लस को देखिए लैटिस पॉइंट पर Cl- है लैटिस पॉइंट पर Na+ है और सभी Cl- को सिक्स एन प्लस आयन सराउंड किया हुआ है जो कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाता है एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछता ही पूछता है एन में एन का कोऑर्डिनेशन नंबर बताइए आंसर है सिक्स सी माइनस का कोऑर्डिनेशन नंबर बताइए आंसर है सिक्स तो इस तरह से ये एन लैटिस स्ट्रक्चर बना हुआ है ये है सीजियम का लैटिस स्ट्रक्चर जिसमें सी को सी जी एम माइनस को सी एल माइनस सराउंड कर रहा है सी एल माइनस को सी जी एम माइनस सी जी एम सी एस माइनस सराउंड कर रहा है इसमें ईच कंस्टुन्स पार्टिकल्स को मीन्स सी जी एम माइनस को एट सी एल माइनस और ईच सी एल माइनस को एट सी एस माइनस सराउंड करेगा मीन्स इसमें इस सी जी एम क्लोराइड के लैटिस स्ट्रक्चर में सी जी एम का कोऑर्डिनेशन नंबर एट होगा सी एल का कोऑर्डिनेशन नंबर एट होगा एन ए सी एल में छः छः था सी जी एम क्लोराइड में एट एट मीन्स एक कॉन्सुएंस पार्टिकल्स को लैटिस स्ट्रक्चर में एक कॉन्स्टेंस पार्टिकल्स को लैटिस स्ट्रक्चर में जो सराउंड करेगा पार्टिकल्स को कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं और ये सीजियम क्लोराइड में एट एट होगा उसी तरह से जिंक सल्फाइड में देखिए जगह स्पेस खाली है अल्टरनेट पैक होता है इस वजह से एक जिंक को एक जेडन प्लस प्लस आयन को कॉन्सुंस पार्टिकल्स लैटिस साइड पर जेडन प्लस प्लस होगा और जेडन प्लस प्लस होगा और एस माइनस माइनस होगा तो सल्फर माइनस एक सल्फर माइनस को फोर जेड एन प्लस सराउंड करेगा और एक जेड एन प्लस प्लस को सिक्स फोर सॉरी फोर एस माइनस माइनस सल्फाइड आयन सराउंड करेगा तो कोऑर्डिनेशन नंबर एस का कितना हो गया फोर जिंक का कितना हो गया फोर एन एस सी एल में छः छः सीजियम क्लोराइड में आठ आठ और जेड एन एस में छः छः होगा उसी तरह से कैल्शियम फ्लोराइड का जो लैटिस स्ट्रक्चर है उसमें एक कैल्शियम प्लस प्लस आयन को एक कैल्सियम प्लस प्लस आयन को एट एफ माइनस आयन सराउंड करेगा जबकि एक एफ माइनस को फोर सी ए प्लस प्लस सराउंड करेगा सी एफ टू है इसको एट सराउंड करेगा कैल्शियम को और फ्लोरीन को फोर कैल्सियम सराउंड करेगा इस तरह से लैटिस स्ट्रक्चर बनता है मीन्स कॉन्स्टिट्यूंस पार्टिकल सब क्लोज पैक होगा क्लोज पैक होगा तो स्पेस फिलिंग लैटिस बनेगा उसको पॉइंट से रिप्रेजेंट करेंगे तो लैटिस स्ट्रक्चर बनेगा और उस लैटिस स्ट्रक्चर में जो पॉइंट होगा उसको लैटिस पॉइंट कहेंगे और उस लैटिस पॉइंट को पर प्रजेंट जो होगा वो कॉन्स्टेंस पार्टिकल होगा जो या तो एटम्स हो सकता है या मॉलिकल्स हो सकता है या आयंस हो सकता है और उसके साथ चार तरफ से घेरने वालों की संख्या बिल्कुल फिक्स होगी और जब उसको मिलाएंगे तो पूरा जियोमेट्री प्राप्त होगा जो फिक्स होगी उसको कोऑर्डिनेशन नंबर कहेंगे और ये क्वेश्चन कोऑर्डिनेशन नंबर से जरूर रहता है तो इस तरह से लैटिस स्ट्रक्चर हम लोग समझे हैं और इसका एक छोटा सा यूनिट क्या बन रहा है यूनिट सेल बन रहा है तो एन सी आर टी के थ्रू अगले वीडियो में हम लोग यूनिट सेल को समझते हैं और उसके टाइप्स को देखते हैं थैंक यू देखते रहिए बुक पढ़ते रहिए नोट्स बनाइए क्वेश्चन बनाइए और लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए थैंक यू टेक केयर